राज्यसभा से एक बात कर दी, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सिंध असेंबली में जो है कागजात लाई जा रही है कि बिहारियों को निकालो। हाँ बिल्कुल, यही तो बात वगैरह वो इसलिए कि वो जलते हैं बिहारियों से बहुत। अब आप बता दें रेहान भाई, आप मुझे इतना सा आंसर दे देंगे, आइन में तकलीफ आएगी नहीं आएगी, आई नहीं आप बता दें। अरे क्या के अपनी बातें शुरू कर दी आप लोगों ने, गुफ्तगू शुरू कर दी। अच्छा चौधरी साहब आप एक मिनट के खामोश हो गए। रेहान साहब बड़ी अच्छी बात मालूम है, तो इनको बिहारियों के बारे में पता है। लेकिन बिहारी जो है ना डबल महाजिर है, क्योंकि उन्होंने दो मर्तबा इज्जत की है, बिल्कुल बिल्कुल हक से बात है, और कौम के लिए पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान की है। चले आप दोनों खामोश हो, मैं जैदी भाई को से बात करती हूँ। आप लोगों को बात पॉलिटिक्स में नहीं करनी, आप तो बिहारी और पता नहीं किस किस चीज पे आप लोगों को टॉपिक को घुमा देते हैं। मैं किस पे बात कर रही हूँ, आप किस पे बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या हो रही है। एक बात सुने, शो में आप बात क्या करने आए थे, क्या बिहारियों के पे गुफ्तगू करने आए, क्या क्या बात करने आए पॉलिटिक्स पे? मौजू निकाला ना कि वो मौजू, आप स्टॉप करें ना इस मौजू को, आप क्यों आगे चल रहे हैं? स्टॉप कर दिया, चलो आप आप मुझे नहीं, मैं नहीं लेना चाह रही इस पे अभी, बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही अभी। मैं जो बात कर रही हूँ उस पे बात करें, आपको जो मैं बात कर रही हूँ आप ये बताएंगे आइन में तब्दील आएगी नहीं आएगी कल, ठीक है? पच्चीस से पहले पहले आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बात सही है, आखिर बात जो बात ये है बात वो बात आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी अबाउट इट, थैंक यू। चले बात करने नहीं आए थे रेहान भाई, अपना कोई मैसेज देने नहीं आए, सिर्फ वो ये बस बात करने आए थे। बात की लेकर आए हुए, तो आप अपनी क्या बात कर रहे हैं, बात तो करें। बात ये लेकर आए हो कि जो नेक्स्ट टाइम मुझे कोई, अभी ये बात नहीं, पॉलिटिक्स में बात करने आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में बात करनी है आपको। अरे जो मेरा टॉपिक है उसमें बात कर रहे हैं, आईनी तरमीम जो है वो पेश नहीं हो सकेगी, ना होगी ना मंजूर होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब ढोकले ढोकले बाद। कल इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा, कल इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा आप बताएं। रेहान साहब, रेहान साहब एक बात का जवाब दीजिए, आईनी तरमीम जो है उसमें ये चीज डाली गई है, जैसे आप कराची के रहने वाले हैं, आपके जितने रिश्तेदार हैं कराची में, सबके लिए नौकरी के दरवाजे 20 साल के लिए बंद किए जा रहे हैं, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और एमकेएम ने जो है एहतजाज किया है कि इसमें से ये सीट निकाली जाए, इस जो तब्दीली हो रही है कि 20 साल के लिए कोटा सिस्टम को बढ़ाया जाए। आप इस बारे में क्या बोलेंगे रान साहब, ये आपके इतने रिश्तेदार हैं, इन सबकी नौकरियाँ खत्म, इनके बच्चों की पढ़ाई खत्म, इस बात से मैं भी मुखालफत करूंगा। हाँ मुखालफत करेंगे, पीटीआई इस चीज के लिए तैयार है, कह रही है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, और यहाँ अगर कोटा सिस्टम लगाओ तो आप मुखालफत करेंगे ना, आप ईमानदार आदमी है। नहीं नहीं मैं उसी बात की मुखालफत नहीं करूंगा, मैं टाइट करूंगा। आपको जैदी भाई आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा जी जी, अच्छा भाई ठीक है, मैं बोल रखा हूँ फोन, ओके 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 अल्लाह। और दोनों लाइनें बिजी कर रखी है, बंद करें दोनों लाइनें, अल्लाह बंद करो बंद करो, दूसरी लाइन भी बंद करें, दूसरी लाइन भी। जी जी बोले जैदी भाई जी। सर देखिए समीना, जो बात आपकी मौजूदा सूरत हाल के तहत आपने अपने उनवान रखे हैं, उसमें देखना यह है कि हुकूमत दिन ब दिन एस्टेब्लिश हो रही है या नहीं, ताकतवर हो रही है या नहीं, और क्या वो आने वाले अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी या नहीं, पीटीआई की पोजीशन क्या होगी, यही आजकल के मेरे ख्याल से मौजूदात है ना ज्यादातर। तो हुकूमत की तरफ देखें, आईएमएफ से उसने अपना खुश असलूबी से लोन पास करवा लिया, एडीबी ने कल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6 अरब डॉलर की आपको ग्रांट कर दी,